हेलो जी, हेलो, क्या हाल चाल है। तो भाई आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत बढ़िया चीज़ प्रोडक्ट लेके आया हूँ। मैं बहुत दिन से इसे ढूंढ भी रहा था, तो सारी चीज़ें उसके बारे में शो करता हूँ। है गाड़ी से रिलेटेड, वैसे किसी भी चीज़ से कर सकते हो। तो आपको दिखा देता हूँ, पहले अभी आया था। तो ये है वो प्रोडक्ट, ये है स्टार क्यू कंपनी का। ये देख सकते हो आप, स्टार कंपनी का कार वॉशर। वैसे कुछ भी वॉश कर सकते हैं इससे, पर आज हम मैं इसे कार वॉश करके दिखाऊंगा। क्योंकि मैंने बहुत टाइम से, यार मेरे को एक तो पसंद नहीं है मेरी गाड़ी गंदी हो, और बाहर वॉश कराने जाए यार 400-500 रुपये ले लेते हैं खमका पर, और घर में प्रेशर वॉश हो नहीं पाती है। तो प्रेशर वॉश के लिए मैंने ये मशीन मंगवाई है। तो ये वो टोनी स्टार्क वाली स्टार्क कंपनी नहीं है, बट स्टार्क कंपनी का कार वॉशर है। आपको दिखाता हूँ, तो पहले थोड़ी गाड़ी को पीछे करिए। इसकी कर दी भाई अपने अनबॉक्सिंग में, ये देख सकते हैं, ये है स्टार्क, स्टार्क का हो या स्टार्क क्यू जगह। तो ये है भाई स्टार्क कंपनी का प्रेशर वॉशर, हाई प्रेशर वॉशर है, और इसका मॉडल नंबर है ST 1800U। तो ये इसका मॉडल है, एसेसरीज़ वगैरह इसमें सारी लिखी हुई हैं। बाकी इधर क्या है, यहाँ फीचर्स वगैरह लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं फीचर्स, सेल्फ इंडक्शन वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें। और ये है प्रो लाइन, मतलब ये थोड़ा प्रो मॉडल है स्टार्क का। काफ़ी सारे इनके प्रोडक्ट्स आते हैं, बट ये प्रो मॉडल है, हाई प्रेशर वॉश करता है ये। तो ये है भाई इसका सारा, और इसका पता है मेन USP क्या है, इसमें कॉपर वाइंडिंग की मोटर है। बाकी मोटर्स तो हाई प्रेशर वैसी मोटर्स होती हैं, इसमें यूनिवर्सल मोटर डली हुई है और कॉपर वाइंडिंग है, तो जो कि आपको जल्दी से ख़राब नहीं होगा, और एक साल की वारंटी तो है ही। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ इसमें, सबसे पहले आपको इसमें ये इनलेट पाइप मिलता है, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, जैसे अपना गैस वाला पाइप होता है ना, काफ़ी हैवी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। फिर आता है ये क्या है, ये हाँ ये शैम्पू डिस्पेंसर है, अगर आपको शैम्पू कार वॉश करनी है तो शैम्पू इसमें लगा के डाल के मतलब, और वो कर सकते हैं। फिर ये आती है प्रेशर गन, तो ये इसकी गन आती है यहाँ पे, इसमें अटैचमेंट लग जाती है, आपको सारा करके दिखाऊंगा कैसे यूज़ होता है ये। तो ये आती है इसकी गन, ये है गन की एक्सटेंशन, और ये है इसका हैंडल, मतलब मोटर जो प्रोडक्ट है इसका हैंडल है। बाकी कुछ ये एसेसरीज़ आती है इसमें साथ में, और ये है इसकी यूज़र मैनुअल कैसे आपको यूज़ करना है। और मेन प्रोडक्ट है यहाँ पे, जैसे ये देख सकते हैं, ये है मेन प्रोडक्ट, और काफ़ी लाइट वेट है, मतलब डब्बा इसका वेट वैसा लग रहा था थोड़ा अभी, बट काफ़ी लाइट वेट है। तो ये है इसका मेन प्रोडक्ट, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है मॉडल ST 1800U, इनपुट 1800 वाट का है, मतलब 1800 वाट आप देख सकते हो कितना प्रेशर जनरेट करेगी, तो गाड़ी अच्छे से धुल जाएगी। और इसमें यहाँ 01, मतलब ये ऑन ऑफ का बटन है, या कंप्यूटर साइंस वालों को तो इजीली समझ आ ही जाएगा 01 क्या होता है। और इसमें यहाँ पे है आउटलेट का पॉइंट, ये देख सकते हो आप, आउटलेट का है, और इसमें साइड में यहाँ पीछे इनलेट का पॉइंट है, यहाँ से पानी इनटेक करेगी। बस इसमें औरतों को ज़्यादा है नहीं, ऑन ऑफ का है। बाकी मैं आपको इसके अटैचमेंट्स अटैच करके दिखा देता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है अटैच करने में। तो ये देख सकते हैं आप, इसका जो हैंडल है ये होगा इस तरीके से अटैच, तो इसका हैंडल अटैच हो गया, और आप इसे ऐसे उठा भी सकते हैं। इसमें और भी सामान होना चाहिए, तो अच्छा हाँ, अभी तो इसमें और भी सामान है बॉक्स में, अधूरा सा लग रहा है। ये है इसका मेन हॉज पाइप, जिसे प्रेशर वॉश करेंगे। तो यार ये भी काफ़ी, मतलब 5 से 6 मीटर का पाइप है, काफ़ी हैवी, मतलब मोटा पाइप है, मुड़ेगा नहीं आसानी से, यहाँ से आउटलेट कनेक्ट हो जाएगा इसका। और बाकी इसमें आते हैं ये दो इसके व्हील्स, जो कि व्हील्स इसमें नीचे लग जाएंगे, आपको दिखा देता हूँ कैसे कनेक्ट होंगे। इसे बस ये लगा के ऐसे और ठोक देना है, ये व्हील कनेक्ट हो गया, और
ऐसे ही है साइड में इधर, तो ये आपको ऐसे इजी टू यूज़ भी हो सकता है, देख सकते हैं यार काफ़ी हैंडी है, मतलब आप कहीं भी इसे ले जा सकते हो। और इसमें मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी कि इसकी जो पावर आउटलेट है 2 पिन प्लग ही दिया हुआ है, तो ये काफ़ी बड़ी है, ये भी 5 से 6 मीटर की है, इतनी यूजुअली इतनी आती नहीं है, इतनी लंबी छोटी होती है, एक्सटेंशन वगैरह लगानी पड़ती है। तो चलो इसे कनेक्ट करते हैं सारा और फिर इसको वॉश करके दिखाता हूँ मैं। इस तरीके से ये यूजर मैनुअल आती है, इसमें सारी कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, इसका अपना कोई काम नहीं है। ये इसमें आता है कि कोई भी गंदगी पाइप में ना जाए उसे लगा के, और काफ़ी सारी अटैचमेंट्स हैं, आपको अटैच करके दिखाता हूँ। और ये आप अगर डायरेक्ट टैप से लगाना चाहो तो टैप से लगा के और अच्छे से लीक प्रूफ कर सकते हैं इनसे, और ये लगेगी इसमें, आपको कनेक्ट करके दिखाई देता हूँ। और काफ़ी मतलब जो इसकी प्लास्टिक है, प्लास्टिक का वो भी अच्छा है, इतनी ईजिली मतलब टूटने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये काफ़ी अच्छे से सील पैक हो गई है और ऊपर से इसे कर देंगे टाइट। बिल्कुल टाइटली वो कर देंगे। तो ये है इनलेट का पाइप। इनलेट का पाइप यार पहले ना इसमें बहुत बड़ा आता था, 5-6 मीटर का आता था, ये कम कर दिया क्योंकि कई बार ना मोटर पर लोड पड़ जाता था, उससे मोटर पानी नहीं उठा पाती थी, तो ये अब इनलेट का पाइप इन्होंने कम कर दिया है। तो इसे आप अच्छे से ऐसे टाइट कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो चुका है, कोई लीकेज की कोई वो ही नहीं है। और फिर जो ये अटैचमेंट आती है ये लगेगी आपकी यहाँ पर इसमें इस तरीके से, और ये वाली पाइप आपकी लग जाएगी इनलेट में इस तरीके से। इसे ऐसे पीछे करेंगे ना तो ये अपने आप अटैच हो जाएगी, और आपकी लास्ट में एक टक आवाज़ आएगी, मतलब आपकी कनेक्ट हो चुकी है अच्छे से। तो अभी इस तरफ से ये कनेक्ट हो गई है, अब करेंगे हम इसे पीछे से कनेक्ट। तो मतलब ये जैसे इनलेट है, अगर मुझे ये टैप वाटर में लगाना होगा तो मैं इसे करूँगा इधर से कनेक्ट टैप वाटर में, पर मुझे अभी लगाना नहीं है तो मैं आपको बकेट में ही यूज़ करके दिखाऊँगा ताकि पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो बकेट के लिए हम इसे कर देंगे इस तरीके से ना, इसमें डाल देंगे ताकि कोई भी अनवांटेड कोई गंदगी इसमें मोटर में ना जाए और इसे ख़राब ना करे, तो इसे करके और ऐसे बकेट में हमें डाल देनी है बस। ये तो ये हो गई इनलेट की सारी प्रोसीजर पूरा। अब करेंगे इस फ्रंट से आउटलेट को, तो आउटलेट करेंगे हम कनेक्ट इसे। आप देख सकते हैं दोनों तरफ सेम ही है, मतलब आप किसी भी तरफ से डाल सकते हो इसे। तो आपको डालने के लिए ये करना है, जहाँ पे आपको जो बटन दिख रहा है ना इसे आप स्लाइड करेंगे इस तरफ को, इससे स्लाइड करते ही आपको इधर ये इंसर्ट भी करनी है। तो ये जैसे ही आप स्लाइड करोगे ये आपकी इंसर्ट हो गई, और आप कर दोगे इसे लॉक, तो ये हो गई लॉक, अब ये निकलेगा नहीं यहाँ से। तो ये आपको आउटलेट तो बहुत ही ईजी है डालना है, इसमें आउटलेट ऐसे करके और लॉक हो जाता है ये। तो अभी आउटलेट पाइप जा चुकी है इसके अंदर, और दूसरी आउटलेट पाइप जाएगी ये जो इस तरफ से है, ये जाएगी अभी गन के इसमें। तो गन में भी सेम ऐसे ही दिया हुआ है, आपको ये नीचे से इंसर्ट कर डालनी है इसमें, बट आप ये जैसी पीछे वो करोगे तो ये अपने आप और ऐसे जब अंदर चली जाए रिलीज़ कर दो, टक की आवाज़ आएगी और आपका ये लॉक हो गया। तो अब आपकी ये भी लॉक हो चुकी है। अब आप नीचे देखोगे नीचे भी एक लॉक अनलॉक का वो है, ऑन ऑफ का, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा ऑन ऑफ लिखा हुआ है। तो इसे जैसे ही आप ऑन करोगे तो ये आपका अंदर प्रेस होने लगेगा और चालू हो जाएगा, और जैसे ही इसे ऑफ करोगे तो यहाँ से लॉक हो जाएगा। तो चलो यार इसे चला के देखते हैं और अपना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये गन के आगे जो अटैचमेंट लगती है वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो हमें बहुत ईजीली चीज़ें दी हुई हैं, ईजी टू यूज़ है। तो ये जो पॉइंटेड वाली चीज़ है ये आपकी इस तरफ लगेगी ताकि आपका प्रेशर अच्छे से बने, और ऐसे करके, और इसे आप थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, और इस तरीके से आपको घुमा के, और ये लग गई अंदर प्रेस करके घुमाना, और ऐसे करके आपको निकाल भी सकते हो इसे। ये देखो निकल गई, तो इसे अंदर प्रेस करके और ऐसे करते एक दो बार, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बाकी आपकी गन हो चुकी तैयार। इसके आगे आप डायरेक्ट ये भी लगा सकते हो, आपको मैं दिखा देता हूँ। आप इसे यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो, शैम्पू करके शैम्पू का भी यूज़ कर सकते हो, और बाकी आप नहीं तो नोज़ल्स आपको चाहिए ना तो आप नोज़ल्स भी यहाँ पे ऐसे लगा के और यूज़ कर सकते हो। नोज़ल्स के लिए भी यहाँ बटन दिया हुआ है, ऐसे करेंगे तो ये अपना इंसर्ट हो जाएगा आराम से। तो ये भाई बहुत ही इजी टू असेंबल है, बाकी आपको इसका यूज़ करके दिखाता हूँ कैसे यूज़ होता है। तो हम तो लेंगे अपने पॉकेट में पानी, ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वैसे ही
दिल्ली NCR में पानी की कमी चल रही है। अगर मैं इसमें जैसे डायरेक्ट पाइप लगा के कार वॉश करता हूँ ना, बहुत ही कम प्रेशर आता है, तो इसलिए मुझे वो चाहिए भी थी। अपना पानी भर लेंगे इसे। तो अपना पानी भर के आ चुका है और ये देख सकते हैं आप, जैसे कि ये वाला पार्ट आपको डाल देना है पानी में एज इट इज़। इसको पानी में डाल के आप इस तरीके से आप होल्ड कर सकते हैं। और ये मैंने कर दिया है पीछे पावर आउटलेट से कनेक्ट, पावर से कनेक्ट हो गए। बट हाँ, एक चीज़ है, जब भी आप इसे स्टार्ट करोगे ना, इस पाइप को, आउटलेट पाइप को निकाल देना, मोटर को ऑन करना, जब यहाँ से पानी आने लग जाए तब आपको ये आउटलेट पाइप इसमें कनेक्ट करना है। तो जैसे ही ऑन करूँगा इसे मैं, अब मुझे ये पाइप को कनेक्ट करना है क्योंकि इसमें पानी आने लग गया है। अब जैसे हम यहाँ से बाद में कनेक्ट कर देंगे, और ये यहाँ से मैंने कर दिया ऑन, फिर भी ये नहीं चल रहा क्योंकि अब ये चलेगा गन से। जैसे ही मैं इसे ऑन करूँगा ना, तब ये चलेगा। ये देख सकते हैं ऐसे, ये देखो कितना प्रेशर है, कितना तेज प्रेशर है। और इसका प्रेशर आप सिंगल पॉइंट पर भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप प्रेशर को चेंज भी कर सकते हैं। तो प्रेशर को चेंज मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से ऐसे हल्का सा घुमाएंगे, सिंगल प्रेशर हो गया, और इसे ऐसे करेंगे तो ये ऐसा प्रेशर आएगा। तो चलो अब गाड़ी को धोके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे गाड़ी धोती है। तो आप देख सकते हो मैंने पूरी गाड़ी पे पानी मार दिया, मिट्टी साफ कर दी, और आधी बाल्टी भी खत्म नहीं हुई। आप यहाँ पे देख सकते हो आधी बाल्टी भी खत्म नहीं हुई है इसमें। तो ये पानी की ना बहुत ज़्यादा वेस्टेज को बचाता है और सेव करता है पानी को। और जैसे कि यहाँ नीचे मिट्टी लगी होती है, जैसे आप देख सकते हो इस टायर पे मिट्टी लगी हुई है, तो मैं इसे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाऊंगा और प्रेशर इस तरीके से, तो इस तरीके से। और मैं आपको इसका प्रेशर टेस्ट करके देखिए, स्टार का बॉक्स आया था ना, मैं आपको इसी भी प्रेशर टेस्ट करके दिखाता हूँ कितनी तेज का प्रेशर मारती है। ये देखो, ये देख सकते हो, मतलब इतना मोटा गत्ता, और ये ऐसे एज इट इज फट गया एक ही बारी में, कितनी तेज इसका प्रेशर होगा। और इधर आप जूम करके दिखाता हूँ, देखो नीचे की तरफ का गत्ता भी फट चुका है इसका, तो बहुत तेज इसका प्रेशर है। तो बाकी इसे प्रेशर को कम करके ही गाड़ी के उस पर मारे, नहीं तो गाड़ी का पेंट खराब हो सकता है। बाकी आपको कहीं से मिट्टी हटानी है, जैसे आप ये वाला मेरा एरिया है, यहाँ पे मिट्टी इसमें टाइल्स में घुस जाती है अंदर, तो अगर आपको यहाँ से सफाई करनी है तो आप ये देख सकते हो इसे प्रेशर को तेज करके मारना। ये देख सकते हो आप, बीच बीच में जो मिट्टी घुसी हुई है ना, ये भी निकाल दी इसलिए, तो ये आपको सारा साफ कर देगा। मैं एक बार आपको मार के दिखाता हूँ फिर से। ये देखिए बिल्कुल साफ कर दिया है इसने। यहाँ पे यूज़ करते हैं शैम्पू का, तो शैम्पू तो मैं अपना वही क्लिनिक प्लस से ही धोता हूँ। आपको ये वाला क्या करना है, आपको इस तरीके से आपको ये वाला बाहर निकालना है, आगे का जो अटैचमेंट है आपको इसमें कनेक्ट करना है, पाइप के साथ आता है, तो इसमें पानी भर सकते हैं आप इस तरीके से। थोड़ा सा पानी डाल के अब थोड़ा डालूंगा मैं इसमें शैम्पू। कार वॉश करने का कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हो, अपना तो क्लिनिक प्लस जिंदाबाद है, बहुत अच्छी गाड़ी धुलती है यार क्लिनिक प्लस से। ऐसे ऐसे शेक कर लो, तो ये जो एक्सटेंशन है आप देख सकते हो, ये वाली एक्सटेंशन को हटा के और इसे इसमें ऐसे पुश करके, अंदर पुश करके, और इस तरीके से आपको लगेगा। तो ये आपका सोप का लग चुका है, और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सोप इसमें आप डिस्पेंस करेंगे। देखो
देख सकते हो पूरा, मतलब एग्जैक्ट फॉर्म तो नहीं बनेगी पर ये फॉर्म वाला काम जो होता है वो वाला हो चुका है, देख सकते हो पूरी गाड़ी में। तो देख सकते हो पूरी गाड़ी वॉश करने के लिए आपको कितना बढ़िया वो हो गया, गाड़ी अपना फोम वाला वो हो चुका है और अभी से पानी से धो देंगे, मतलब एक बाल्टी पानी से आपकी गाड़ी पूरी फोम वॉश हो जाएगी, वो भी घर में और फ्री में, इससे बढ़िया चाहिए ही क्या। और गाड़ी पे यार ज़्यादा प्रेशर मत मारना, नहीं तो गाड़ी के पेंट में थोड़ा इफेक्ट आ सकता है, तो इसलिए प्रेशर यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो ऐसे नीचे एक बार। तो आपने देखा गाड़ी बिल्कुल चमक चुकी है बिना हाथ लगाए और अभी भी बाल्टी में पानी ये देखो बचा हुआ है। तो यार यही चीज़ तो है, इसी के लिए मैं सोच रहा था। और बाहर जाओ तो 500 रुपये लग ही जाते हैं धुलाने के लिए, बाकी आप कुछ भी सफाई इसकी कर सकते हो अपना, जैसे मैंने आपको दिखाया वो चीज़ भी आप साफ़ कर सकते हो, घर वाले भी खुश हो जाएंगे। तो ये था भाई अपना स्टार क्यू का हाई प्रेशर वॉशर, कार वॉशर है कुछ भी वॉशर आप कह सकते हो इसे, मेरे को तो ये बहुत पसंद आया। आप लोगों को मंगवाना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है मेड इन इंडिया है और पूरा इंडियन प्रोडक्ट है, इसका एवेंजर वाले स्टॉक इंडस्ट्रीज से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये इंडियन प्रोडक्ट है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाएँ, सब्सक्राइब करें चैनल और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। बिल्कुल छोटा सा है, थोड़ी आवाज़ ज़्यादा करता है पर प्रेशर इसका बहुत ही बढ़िया है, प्रेशर है तो मज़ा आ गया गाड़ी धो के। तो अब तो गाड़ी बाहर वॉश होगी नहीं, गाड़ी होगी अपनी घर पे ही वॉश, अपना सब कुछ ऐसे ही यहीं पे वॉश किया करूँगा मैं और पानी भी कम से कम यूज़ होता है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, ओके बाय।